आने वाले कल की चिंता में आज खराब करना सही नहीं है। एक राजा था जो अपना प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सजा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी और वह यह कि मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वाले को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नजदीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। हादसे में कट गया बायां पैर, लेकिन 2 पैर वाले की तरह ही है जिंदा दिल। अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफी प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री के पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है राजा की अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो, जीने की कला है। सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोस्तों, हम कल की फिक्र करके आज में नहीं जीते। आज जीने के लिए आपको जो करना है कीजिए। कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेफिजूल की चिंता करना छोड़ दें। आज में जिए, कल की फिक्र ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।